दोस्तों ये है जेमटाइड इंजेक्शन। सो ये जेमटाइड इंजेक्शन जो है डॉक्टर्स जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट को। सो इस इंजेक्शन को हम पेन बेस्ड इंजेक्शन कहते हैं और इसकी पैकिंग में दो चीज़ें आती हैं, पहली है पेन बेस्ड इंजेक्शन और दूसरा है नीडल। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं, तो कैसे इसको लगाना है बेसिकली पेशेंट को। तो इस इंजेक्शन को पेशेंट के अटेंडेंट को ही लगाना होता है घर पे, क्योंकि ये इंजेक्शन हर रोज़ लगता है। तो इसमें दो पार्ट्स रहते हैं जैसा कि मैंने बताया, एक होता है नीडल और ये इसमें तीन इसमें पैकेट रहते हैं नीडल्स के। और मैं इस इंजेक्शन को खोलने जा रहा हूँ। तो इसमें कुछ चीज़ें जो देखने वाली हैं, ये पहला है ये डोजेस। सो इसमें 28 डोजेस होती हैं एक इंजेक्शन में 28 डोजेस रहती हैं और हर एक डोज जो होती है वो होती है 20 mcg की। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैं इस नोब को घुमाऊँगा तो ये 20 mcg आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं पहले इस नीडल को खोल रहा हूँ। सो दोस्तों ये नीडल है तो इसको ये ऐसे यहाँ पे ओपन करना है इसके कवर को और देन इसको यहाँ पे इंजेक्शन के आगे ऐसे लगाना है, इसको ऐसे घुमा देना है। तो घुमाने के बाद इसको अच्छे से टाइट करना ज़रूरी है ताकि जो लिक्विड है वो बाहर ना गिरे। उसके बाद इसको ओपन करना है सिंपली और देन पेशेंट को लगाना है। वो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि इधर इसको पेट पे लगाया जाए या थाई पे। सो हमारे डॉक्टर ने इसको पेट पे लगाने के लिए बोला है और हम इसलिए इसको पेट पे लगा रहे हैं और आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो अगर आप पेट पे लगा रहे हैं तो इसका फंडा ये रहता है कि एक दिन आपको इस नाभि के इस साइड पे लगाना है और एक दिन इस साइड पे। और नाभि के इस साइड पे जब लगाना है या इस साइड पे तो आपको जो है एक हाथ का डिफरेंस लेना है। तो जैसे ये एक हाथ है तो इसका पूरा मैंने चारों उंगलियों का डिफरेंस लिया है और यहाँ पर आपको लगाना है और मेक श्योर कि आप एक ही जगह पर बार बार ना लगाएँ। तो सबसे पहले मैं जो अभी डोज आ रही है वो आ रही है ज़ीरो, तो मैं इसको नोब को घुमाऊंगा तो डोज अभी 20 mcg आ रही है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि जो जो मेरे नंबर ऑफ इंजेक्शंस हैं वो अब 27 रह गए हैं। ये एरो जो है ये अब ये डॉट के सामने आ रहा है, 28 ऊपर चला गया। अब सिंपली आपको क्या करना है, ये जो पेन है हमारा इसको प्रेस करना है जब आपको पेशेंट को इंजेक्शन लगाना है। तो जैसे ये चार हैं, चार उंगलियां, तो यहाँ पे हमने कल उधर की साइड पे लगाया था, आज हम इधर की साइड पे लगा रहे हैं। यहाँ पे बड़े आराम से आपको पिन को अंदर इंसर्ट करना है और उसके बाद इसको दबाना है और जैसे ही आप दबाएंगे उसके बाद आपको 10 सेकंड के लिए वेट करना है ताकि जो दवाई है वो अंदर इंजेक्ट हो जाए। और 10 सेकंड हो चुके हैं, अब हम इसको बहुत ही आराम से इसको निकालेंगे और आप देख सकते हैं अब दोबारा से इसमें ज़ीरो mcg यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों ऐसे हमने सीखा कि कैसे हम एक पेन बेस्ड इंजेक्शन को पेशेंट को लगा सकते हैं। तो बेसिकली इस टाइप के इंजेक्शन लाइफ लॉन्ग चलते हैं और कई बार कई कई महीनों चलते हैं, तो ये अटेंडेंट को ही लगाने पड़ते हैं जैसा कि मैंने बताया। तो इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसको कैसे स्टोर करना है। तो इसको स्टोर आप कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि इसको कम तापमान पे रखना होता है। बट मेक श्योर कि आप इसको फ्रीजर में ना रखें, क्योंकि अगर आपने इसको फ्रीजर में रखा तो ये इंजेक्शन जो है वो अंदर से जम जाएगा और ख़राब हो जाएगा। बाकी दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है और आप अपने
डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। सो दोस्तों, अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।